फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑनेस्टी के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। माई सेल्फ नवीन अरोड़ा, आई एम द लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री का बेसिक जो फंडा है, बेसिक जो कंसेप्ट है वो तैयार करेंगे। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये बच्चों के लिए काफ़ी हार्ड समझी जाती है, यानी कि बच्चे इसको काफ़ी हार्ड तरीके से समझते हैं। लेकिन आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे, जिससे ये केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इजी हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को बढ़िया से बढ़िया समझ में आए, और इजी ट्रिक से और इजी वे में आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू इसको। सबसे पहले आज हम ये बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास तीन शाखाएँ होती हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की तीन शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहली जो शाखा है उसको हम बोलते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। दूसरी इसकी जो शाखा आती है उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तीसरी जो शाखा इसकी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो इन तीन शाखाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट शाखा है वो है कार्बनिक रसायन विज्ञान। इस कार्बनिक रसायन विज्ञान की आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान को। कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक कैसे पड़ा, पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। अब इसके अंदर दो शब्द यूज किए हमने, एक शब्द तो है हमारा हाइड्रोकार्बन और एक शब्द आता है कार्बनिक यौगिक। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये भी एक यौगिक है, नाम से पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरी बात आती है कार्बनिक यौगिक वो यौगिक हैं जो जलने पर काले रंग का धुआं छोड़ते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक। तो इस तरीके से कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर हमने दो कंपाउंड या दो यौगिक पढ़े हैं, एक तो कार्बनिक और दूसरा कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें तो कहते हैं आप हाइड्रोकार्बन। दूसरे आते हैं कार्बनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं
जिनको आप जलाते हो ना, तो जलाने के बाद वो क्या करते हैं, काले रंग का धुआं उत्पन्न करते हैं या काले रंग का धुआं छोड़ती हैं। तो ये बात थी हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक यौगिक में, और इन दोनों यौगिकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद आगे स्टडी करते हैं इसके बारे में। कार्बनिक रसायन विज्ञान को समझने से पहले हमें वर्ड समझना पड़ेगा, कार्बनिक रसायन विज्ञान, इसको समझने से पहले एक वर्ड यूज करेंगे हमने कार्बन के बारे में। ये कार्बन क्या होता है, सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, कार्बन क्या होता है। तो कार्बन के बारे में स्टडी करने से पहले देखिए इसकी बेसिक बातें। सबसे पहली बात, कार्बन है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। कार्बन का जो परमाणु भार है वो इसका जस्ट डबल होता है और वो होता है 12। तीसरी बात है कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता होती है 4। चौथी बात आती है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। अब इसके अंदर टोटल कार्बन के अंदर कितने, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है 6। 1s2 2s2 2p2, ये जो ऊपर 2 है ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2, 4 और 2, 6। अब इसके अंदर एक बात करते हैं, वर्ड आता है संयोजकता। संयोजकता क्या चीज होती है, संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु के जो संयोजी कोश है, किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। जैसे कार्बन के अगर हमने बात करें तो कार्बन का अंतिम कोश दूसरे 2 और ये 2, यानी कि अंतिम कोश है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी कोश। इस कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े और 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हैं, इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4, अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी, 4। अब संयोजकता होती क्या है वो सुनिए, संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए हमारे कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 4 है। अब संयोजकता के बाद जो वर्ड आता है केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन का एक बहुत ही फेमस सा गुण आता है, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसको कहते हैं संकलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन यानी कि श्रृंखलन। ये श्रृंखलन क्या होता है, श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन अपने जैसे कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। कार्बन अपने साथ अन्य कार्बन परमाणुओं को जोड़कर एक लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण करती हैं। इस लंबी कार्बन श्रृंखला के बनने के गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, श्रृंखलन कहते हैं। तो ये है कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक बार रिपीट कर रहा हूं, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, कार्बन का जो परमाणु भार है वो जस्ट इसका डबल होता है यानी कि 12 है, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो है 1s2 2s2 2p2, यानी कि टोटल इस कार्बन के अंदर परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं, इसीलिए हमारे कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। इसके बाद हमने कार्बन का एक गुण और पढ़ा जिसे हमने नाम दिया श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, श्रृंखलन को इंग्लिश में कहते हैं कैटिनेशन, यानी कि कार्बन अपने जैसे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, उस लंबी श्रृंखला बनाने के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। तो ये तो बात थी बेसिक कार्बन के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं कार्बन के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं कि कार्बन के बारे में और इम्पोर्टेंट क्या टर्म्स हैं उसको स्टडी करते हैं। तो
तो देखिए कार्बन के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे अपने, कार्बन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। अब जो कार्बन के प्रकार है वो चार प्रकार होते हैं कार्बन के, चार प्रकार। जैसे कि जो पहला कार्बन आता है उसे हम लोग नाम देते हैं प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन, या इसे कहते हैं वन डिग्री कार्बन, वन डिग्री कार्बन। दूसरा जो कार्बन आता है उसे कहते हैं द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, जिसे टू डिग्री कार्बन कहा जाता है, टू डिग्री कार्बन। तीसरा जो कार्बन आता है इसको कहते हैं तृतीयक कार्बन, यानी कि तीन डिग्री कार्बन। चौथा जो कार्बन आता है इसको कहते हैं चतुर्थ कार्बन या चार डिग्री कार्बन। अब इसका मतलब क्या है कि वन डिग्री कार्बन, टू डिग्री कार्बन, थ्री डिग्री कार्बन और फोर डिग्री कार्बन, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कार्बन जितने अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा, कार्बन जितने अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़ा होता है उसे उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में अपने देखते हैं CH3CH2। मान लीजिए इस कार्बन के बारे में बात करनी है, हमें इस कार्बन की डिग्री निकालनी है, तो ध्यान से देखिए ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा वो उसकी डिग्री होती है। तो देखिए हमारा ये जो कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो होगी वन डिग्री कार्बन, यानी कि ये कौन सा कार्बन है? प्राथमिक कार्बन है। उसी प्रकार यदि इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन भी क्या है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री भी कितनी होती है? एक डिग्री होती है। तो ये है जी आपका प्राथमिक कार्बन, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वन डिग्री कार्बन। ठीक उसी प्रकार द्वितीयक कार्बन। अब क्या होगा? अब हमारा एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे CH3CH CH3। अब इस बीच वाले कार्बन को यदि हम देखें तो ये जो कार्बन है ये एक्चुअली में दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। तो मध्य वाला जो कार्बन है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन होता है दो डिग्री कार्बन, दो डिग्री कार्बन, अर्थात एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसकी डिग्री भी होगी दो डिग्री। उसी तरह तीन डिग्री कार्बन, तीन डिग्री कार्बन का मीनिंग क्या है? तीन डिग्री कार्बन का मतलब है जिसमें एक कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल CH3C CH3CH3 और डैश मतलब बंद। तो देखिए इसके अंदर ये जो मध्य वाला कार्बन है ये वास्तव में तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक दो और एक तीन, एक दो और एक तीन, तो टोटल हो गए तीन, यानी कि मध्य वाले कार्बन की जो डिग्री है वो है तीन, इसलिए मध्य वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? तीन डिग्री कार्बन, तीन डिग्री कार्बन। अब बात करते हैं चतुर्थ कार्बन की। चतुर्थ कार्बन में एक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, यानी कि एक कार्बन चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं इसमें जो मध्य वाला कार्बन है वो एक्चुअली में चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन का नाम हुआ चार डिग्री कार्बन, या जिसे हम हिंदी में चतुर्थ कार्बन बोलते हैं। तो ये बात थी जी कार्बन के प्रकार के बारे में। अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, इसके बाद जो डिटेल की बात है वो देखते हैं। इसके बाद कार्बन किस प्रकार के बंध का निर्माण करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कार्बन सहसंयोजक प्रकार के बंध बनाता है, कार्बन सहसंयोजक प्रकार के बंध बनाता है। अब ये सहसंयोजक बंध क्या होते हैं उसको भी देखते हैं। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, इस बंध को इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। ऐसे बंध, ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के सांझे से बनते हैं, ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉन के सांझे से बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉन के सांझे से बनते हैं उन्हें
सहसंयोजक बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब ये जो सहसंयोजक बंध है ये भी तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध के तीन टाइप्स हैं। कौन कौन से तीन टाइप्स हैं उसको देखते हैं। पहला जो टाइप आता है इसका, उसको कहते हैं एकल बंध, एकल बंध। दूसरा जो बंध आता है उसे कहते हैं द्विबंध, और तीसरा जो बंध आता है उसे कहते हैं त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध को सिंगल एक लाइन से दर्शाया जाता है, द्विबंध को डबल लाइन से दर्शाया जाता है, और त्रिबंध को ट्रिपल लाइन से दर्शाया जाता है। ये जो एकल बंध होते हैं, इस एकल बंध को एक नाम और भी दिया जाता है, इसे सिग्मा बंध भी बोलते हैं, सिग्मा बंध। और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, सिग्मा बंध। जो द्विबंध होता है इसके अंदर दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं। इसका जो ऊपर का बंध होता है उसको कहते हैं पाई बंध, पाई बंध। और जो नीचे वाला बंध होता है उसको कहते हैं सिग्मा बंध। ऊपर वाला बंध पाई बंध, नीचे वाला बंध सिग्मा बंध। जो त्रिबंध है, त्रिबंध के अंदर ऊपर वाला बंध होता है पाई, मध्य वाला होता है सिग्मा, और बिल्कुल नीचे वाला जो बंध होता है वो भी क्या होता है, पाई बंध होता है। अर्थात द्विबंध के अंदर एक पाई और एक सिग्मा होते हैं, जबकि त्रिबंध के अंदर दो पाई और एक सिग्मा बंध होते हैं। तो इस तरीके से कार्बन के अंदर तीन प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक तो होता है एकल बंध, दूसरा द्विबंध और तीसरा त्रिबंध। अब ये तीन बंध हमने बता दिए कि कार्बन के अंदर तीन बंध बन रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, इन बंधों के हिसाब से, इन बंधों के आधार पर जो कार्बन है वो एक्चुअली में तीन प्रकार के यौगिक बनाता है। पहला जो यौगिक आता है उस यौगिक का नाम है एल्केन, एल्केन। एल्केन क्या होते हैं पहले ये सुनते हैं अपने, एल्केन क्या चीज होती है। जब कार्बन तथा कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है, तो ऐसे यौगिक एल्केन कहलाते हैं, ऐसे यौगिक एल्केन कहलाते हैं। यानी कि एल्केन के अंदर क्या होगा, कार्बन तथा कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हमने ये बात की सी और सी, यानी कि सी और इस सी के बीच में एकल बंध पाया जा रहा है। इसका मतलब ये किस प्रकार का पदार्थ है, एल्केन नाम का पदार्थ है। अब इस एल्केन को दर्शाने के लिए एक सूत्र दिया जाता है, यानी कि एल्केन का सामान्य सूत्र जिसे बोलते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर जो n है, इस n का मतलब ये संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, और इस तरीके से आगे चलती रहती है। अब ये है एल्केन का सामान्य सूत्र। अब ये बनता कैसे उसको भी देख लेते हैं। जैसे n बराबर जब आप 1 रखते हैं, n की वैल्यू जब आप 1 रखते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए C के n की जगह पे आपने लगा दिया 1H2 लगा हुआ था इनटू n, n का मतलब 1+2, टोटल क्या हुआ C8, यानी कि कार्बन हो गया 1। H कितने 2 × 1 2+2, यानी कि 4। तो ये कंपाउंड बन गया CH4। इस CH4 को एक नाम दिया जाता है मीथेन, मीथेन। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये मीथेन है वो एक प्रकार का एल्केन है। अब कैसे एल्केन है, यानी कि इसके कार्बन तथा कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, मीथेन के अंदर केवल एक ही कार्बन है, तो इसलिए इसके चारों तरफ केवल H पाए जाते हैं, इसमें दूसरा कार्बन नहीं पाया जाता। लेकिन अगर मीथेन के अलावा अन्य एल्केन लोगे तो उसमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा। जैसे देखते हैं, ये तो बात थी मीथेन की, इस मीथेन में भी चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, एकल बंध पाया जा रहा है, यानी कि इस प्रकार का यौगिक है एल्केन। नेक्स्ट हम कल की वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है उसको शुरू करेंगे, और इस वीडियो को आप लगातार देखिए और कंटिन्यू स्टडी करिए।